वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं? जी हाँ, वो कौन सी एक चीज़ है जो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर इम्बाइब करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से फिनोमिनली चेंज हो सकती है। जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल पूरी तरह से अंत तक देखिए। मेरा नाम विक्रांत सावंत है। फ्री सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाए सबसे पहले मेरे वीडियोज को देखने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। जैसे कि आप जानते हैं, हर दिन लगातार हम आपके साथ कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वीडियो शेयर करते हैं जिसकी मदद से आप अपने जीवन को थोड़ा सा ज़्यादा और सहजता से, थोड़ा सा ज़्यादा और खुशी के साथ व्यतीत कर पाएं। ऐसा कौन सी चीज़ है जो आप अपनी लाइफ में करेंगे तो आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो सकती है? जी हाँ, एक्चुअली ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लाइफ में कर सकते हैं, पर एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे रहता है जो अगर आप यूज़ करें उस स्पेसिफिक टाइम को अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, तो आपकी लाइफ पूरी तरह से फिनोमिनली चेंज हो सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें आप देखनी है कि जब आप उठते हैं और जब आप सोते हैं, तो आपके जस्ट उठने से पहले का समय और जस्ट आपके सोने से जाने से पहले का समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय रहता है, बहुत ही एनर्जेटिक समय रहता है। पर अगर आप देखेंगे, जब आप सोने जा रहे होते हैं उस समय की आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ के ऊपर अगर हम नज़र डालें, तो उस समय या तो आप अपने फ़ोन के ऊपर अपना फीड चेक कर रहे होते हैं, या आप सोशल मीडिया के ऊपर फेसबुकिंग कर रहे होते हैं, या आप कोई ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे होते हैं जो आपको नेसेसरी भी नहीं होते हैं। बेसिकली आप अपने माइंड को कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करते हैं जिससे आपको कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ नहीं मिलती है। और जब आप सोने जा रहे होते हैं तो उस समय आप न्यूज़ भी देखते हैं कई बार, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कोई बुक्स पढ़ते हैं। और क्या होता है कि वो जो एक फिनोमिनल पीरियड होता है जब जहाँ से आप एक कॉन्शियस स्टेट से एक अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हैं, वो आप लूज़ कर देते हैं। तो इस समय जब आप सोने जा रहे होते हैं तो उस समय आप बिल्कुल फ़ोन या कोई भी सोशल मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर या कोई भी किताबें वगैरह ना पढ़े। उस समय जस्ट जब आप बेड पर हो और जब आप स्लीप स्टेट में जाने वाले हो, उस समय केवल आप एक चीज, केवल एक थॉट जो आपको लाइफ में अचीव करना है, केवल उसके बारे में सोचिए। ये कोई भी आपका गोल हो सकता है, पर्सनल गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, आपका रिलेशनशिप गोल हो सकता है, या आपका कोई फिटनेस गोल हो सकता है, फिजिकल गोल हो सकता है, मेंटल गोल हो सकता है, या आपका कोई भी सोशल गोल हो सकता है। बेसिकली कोई भी एम आपकी लाइफ का, एक केवल चीज, एक एम के बारे में उस समय सोने से बिल्कुल जब आप जाग रहे होते हैं, बस आप सोने वाले होते हैं, केवल उसके बारे में आपको सोचना है, आपको विजुअलाइज करना है कि एज इफ वो चीज ऑलरेडी आपने अचीव कर ली है। ओके, जैसे ही आप सोए, आप कॉन्शियस स्टेट से एक सबकॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं और आप इस सबकॉन्शियस माइंड को उस थॉट के साथ अलविदा कहते हैं कि प्लीज अब आप इस चीज के मालिक हैं, अब आप इस चीज को मेरे लिए संभालिए और मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आप सो जाते हैं तो भी काम कर रहा होता है, आपको पता नहीं होता क्योंकि आप तो सो गए होते हैं, पर सबकॉन्शियस माइंड फिर भी 24/7 आपका काम कर रहा होता है और किसी न किसी तरह से वो आपको आपके गोल के और नजदीक लेके जा रहा होता है, क्योंकि सोने से पहले आपने एक कॉन्शियस थॉट लेके सोए। उसी तरह जैसे ही आप सुबह में उठते हैं तो आपको क्या करना है, सुबह में जैसे ही आप उठते हैं तो नॉर्मली आप अपने मोबाइल फोन के साथ उठते हैं, टा टू टा, और जैसे ही मोबाइल फोन का आपने अलार्म बंद किया, आप जाते हैं अपने मोबाइल फीड्स चेक करने, आपके ट्विटर नोटिफिकेशन, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स, और जैसे ही आप उठे आपका दिमाग उन सब चीजों में वेस्ट हो गया। पर क्या आपको मालूम है, जैसे ही आप उठते हैं आपका फर्स्ट 30 सेकंड एक बहुत ही मैजिकल समय होता है। उस समय आपको कोई भी फीड्स वगैरह चेक नहीं करनी। अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टेड ऑफ गेटिंग अप, आपके फोन के साथ आप एक नई घड़ी खरीद लीजिए, अलार्म क्लॉक खरीद लीजिए, जिससे की मदद से आप उठेंगे। जैसे ही आप उठेंगे आपको तुरंत उठना नहीं है बेड से बाहर, थोड़ा समय आप बस केवल लेटे रहिए और थोड़े अपने सेंसेस में थोड़ा आइए कि आप थोड़ा अपने सबकॉन्शियस माइंड से बाहर आ गए हैं। उसके बाद केवल आप अपनी पृथ्वी, अगर आप बेड पे सोते हैं तो आप बेड से ही अपनी पृथ्वी को थोड़ा सा टच कीजिए और एक ग्रैटिट्यूड दीजिए उस अर्थ एलिमेंट को जो आपको सस्टेन कर रहा है, जिससे पूरा आभार उस पृथ्वी को दीजिए जो आप खुद हैं, और वही पृथ्वी जिस जो आपको सस्टेन कर रही है, आभार मानिए उसका। आभार मानने के बाद आप अपने हाथ को, अगर आप मेल है तो आप राइट हैंड, अगर आप फीमेल है तो आपका लेफ्ट हैंड,
अपनी नाभि पे रख के हल्के हल्के उसे सर्कुलर मोशन में घुमाइए। आप जब ये करते हैं तो आपका हाथ, आपके हाथ में बहुत हेवीएस्ट प्राण होता है और सुबह में वो प्राण कहीं यूज नहीं हुआ होता है, तो आप उस प्राण से जिससे फील करते हैं कि कैसा आपका हाजमा है, किस तरह से आपकी एनर्जी, आप केवल अपने नाभि को इस तरह से हल्के हल्के सहलाते हैं, मेन राइट हैंड से, फीमेल लेफ्ट हैंड से। आप कुछ सेकंड के लिए कीजिए और थोड़ा कॉन्शियस अवेयरनेस और आपके पास आ गई, उसके बाद उठते ही आप अपने हाथों को जोड़ लीजिए। हाथों को जैसे ही आप अपने जोड़ते हैं तो क्या होता है, आपको किसी को प्रे करने की जरूरत नहीं है, किसी में ट्रस्ट बिलीफ पे कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने हाथ जोड़ने हैं। जैसे ही आप अपने हाथ जोड़ते हैं तो आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी, जिसे हम कहते हैं सन और मून नाड़ी, दोनों बैलेंस हो जाती है। मतलब आप अपना एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं और अपने आप को वर्ल्डली एक्टिविटीज करने के लिए तैयार करते हैं। जी हाँ, जैसे ही आप अपना हाथ जोड़ते हैं बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और वो नमस्कार भी आप अपने बिल्कुल स्टर्नम के पास करेंगे कि यहाँ पर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट चक्र, जिसे हम कहते हैं हृदय। और जैसे ही आप इस तरह से हाथ जोड़ते हैं तो आपकी पूरी एनर्जी बैलेंस होती है। जैसे ही आप बैलेंस किए फिर आप एग्जैक्टली उसी थॉट के साथ उठें और उसी थॉट के बारे में सोचें जो आपने सोने से पहले सोची थी, और उस थॉट को वापस से अपने आप में वापस से इम्बाइब करें कॉन्शियसली। जी हाँ, एकदम पूरे चित्त मन के साथ उसे वापस से उठा ले जहां पर आपने छोड़ा था। आप बिल्कुल जानते भी नहीं है किस तरह से ये यूनिवर्स, किस तरह से पूरी दुनिया आपको उस पर्टिकुलर गोल के पास लेके जाएगी, बहुत सारी चेंजेस करेगी, आपके इर्द गिर्द चेंजेस करेगी, आप में चेंजेस करेगी, आपके जो आजू बाजू में लोग रहते हैं उनमें चेंजेस लेके आएगी कि आप अपने उस गोल के और नजदीक जाए और जल्दी उस चीज को पा पाए। जी हाँ, गोल कुछ भी हो सकता है, गोल जैसे मैंने कहा आपका फिजिकल गोल हो सकता है, मेंटल गोल हो सकता है, सोशल गोल हो सकता है, गोल कोई भी हो सकता है, पर अगर आप ये कुछ चीजें करेंगे अपनी लाइफ में तो आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ को फिनोमिनली चेंज कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अगर आपको कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट बहुत लगता है उसके बारे में डिफिकल्टी मत सोचिए कि आप कितना डिफिकल्ट है, आप ये सोचिए कि आप उसके बारे में क्या करने वाले हैं, और वो थॉट के साथ आप सोइए और उसी थॉट के साथ आप उठिए, आप देखेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट बहुत ईजी लगने लगेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सैलरी पर्सन हैं, अगर आप अपने लाइफ के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उस इंप्रूवमेंट के बारे में कॉन्शियसली पॉजिटिवली सोच के सोइए और सोच के ही उठिए। आप देखेंगे किस तरह से ये यूनिवर्स आपके लिए पूरा जान लगा देगा उस चीज को आपके पास लेके आने के लिए। करके आज ही देखिए, जी हाँ आज ही, बिफोर यू गो टू बेड आज ही करके देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल इंप्लीमेंट करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो इसे बिल्कुल अपने दोस्तों और मित्रों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस लिए है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बटन बिल्कुल यहाँ पर है। अगले वीडियो तक नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत सावंत है। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सावंत योगा को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले मेरे वीडियोस को देखने के लिए।